मीन्स हमारा शहर शाहजहाँपुर जो है वो गंगा जमुना की तहजीब माना जाता है, और हमारे शहर शाहजहाँपुर में हर धर्म के लोग रहते हैं और हम लोग सारे ही त्यौहार जो है मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो होली हो, ईद हो। तो मुझे अपने शहर शाहजहाँपुर में बहुत फ़ख्र होता है कि मैं अपने इस शहर में जन्म ली, और मुझे बहुत गर्व भी है, और क्योंकि हमारे शहर शाहजहाँपुर से अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की दोस्ती भी काफ़ी मशहूर है, जिसके लोग मिसाल भी देते हैं। सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉगों नुपुर। सो फ्रेंड्स, हमारे शहर शाहजहाँपुर के मोहल्ला मेहमान शाह में स्थित हज़रत मेहमान शाह की दरगाह पे आज आपको लेकर चलेंगे और पूरा फुल ब्लॉग दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो जगह है, मेहमान शाह की जो दरगाह है, ये मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर से मुझे कॉमेंट करके बताया था कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और इसका पूरा फुल ब्लॉग पूरा अपडेट देना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, मुझे उन सब्सक्राइबर्स जो है मेरे, तो मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बताया उस जगह के बारे में, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फ्रेंड्स, अगर मुझसे इस पूरे ब्लॉग में कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो मैं आप अपने सारे व्यूअर से और हज़रत मेहमान शाह साहब से माफ़ी मांगती हूँ। और प्लीज़ चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी जो हम लोग घंटाघर के पास खड़े हैं, और इसका नया नाम जो सुभाष टावर है, आप मेरे बहुत से ब्लॉग में देख चुके हो, तो आपको बता दें ये सीधे रोड जा रही है, ये जा रही है स्टेशन वाली रोड है, और सामने जा रही है वो जाती है सदर मार्केट, और इधर जाती है लकड़ी मंडी वाली रोड, और मेरे पीछे रोड जो जा रही है ये जाती है सीधे चौक मंडी होते हुए चार खंबे तक जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको चार खंबे तक लेके चलते हैं। अभी जो हम लोग शाहजहाँपुर के चार खंबे वाले चौराहे पे खड़े हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बिजली के चार खंबे लगे हुए हैं, इसी की वजह से यहाँ इस चौराहे का नाम चार खंबा पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप सामने जो रोड देख रहे हो, ये जाती है सीधे घंटाघर वाली रोड है, जहाँ से अभी हम आए हैं, और आपको इधर दिखा दें, ये रोड देख रहे हो, ये जाती है केरोगंज पक्का पुल होते हुए सीधे रोज़ा, मतलब शहर के बाहर निकल जाती है। और इधर जो रोड देख रहे हो, ये जो है आती है मोहल्ला किला, शाहजहाँपुर का मोहल्ला किला है, वहाँ पे ये रोड जाती है। और ये देख रही है इस साइड का जो रोड देख रहे हो, ये जाती है सीधे कर्रा फाटक होते हुए बरेली मोड़ की ओर जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो रोड देख रहे हो, ये जो है शहर का पुराना लखनऊ बरेली वाला रोड है, और जिससे पहले जो है सारी ट्रैफिक थी वो शहर के अंदर से ही जाया करती थी, लेकिन अब जो है बाईपास बनने से सारा ट्रैफिक बाहर ही बाहर निकल जाता है। और आप ये जो रोड देख रहे हो, ये जाती है सीधे मेहमान शाह वाली मज़ार की ओर जाती है। तो चलिए, आपको अभी वहाँ भी लेके चलेंगे। अभी जो है आप जो देख रहे हैं सामने, ये जो मेहमान शाह की मज़ार है, और जो कि ये टीले पे बनी हुई है, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मतलब ऊंचाई पे बनी हुई है, और इसी के सामने सड़क के उस पार यहाँ पे मेहमान शाह की मस्जिद भी है। सो फ्रेंड्स, मतलब इस मज़ार के नीचे यहाँ पे रोड पे देखिए, यहाँ पे फूल की और प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, मज़ार पे यहाँ पे चढ़ाने के लिए देखिए चादरें भी हैं, फूल भी है और प्रसाद भी है, जो कि यहाँ पे लोग देखिए खरीद भी रहे हैं और यहाँ पे चढ़ाएंगे, और अगरबत्ती वगैरह तो पत्ती जो है सब यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स,
जैसे कि आप ये किताब देख रहे हैं, ये जो है शाहजहांपुर के इतिहास तारीख़ मुती है, और इस किताब के पेज नंबर 72 पर मेहमान शाह सरकार का पूरा इतिहास दर्ज है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये जो है पेज नंबर 72 है, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें इस पेज नंबर पे, जिसके मैंने बताया, हज़रत मेहमान शाह सरकार का पूरा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप ये दूसरी किताब देख रहे हैं, ये जो है ये तारीख़ सभी है, और इसके पेज नंबर 265 और 266 पर भी हज़रत मेहमान शाह साहिब का पूरा इतिहास जो है वो दर्ज है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो है पेज नंबर 266 है। सो फ्रेंड, चलिए आपको मंदिर लेके चलते हैं मज़ार के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन, मतलब जुमे रात के दिन, यहाँ पे लोग बहुत से लोग आते हैं दूर के। आप लोग देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। हेलो, सो फ्रेंड्स, ये जो मज़ार है, ये जो है जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे हरे भरे पेड़ हैं, और यहाँ का वातावरण भी कितना अच्छा है, हर जगह हरियाली है, तो यहाँ पे आने पे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है और मन को बहुत शांति मिलती है। सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में आए हैं, तो आज जो है वो आज नौ चंदी जुमेरात है, इसलिए यहाँ पे देखिए लोग काफ़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ अंदर मज़ार पे यहाँ पे सलामी हो रही है, तो हम अंदर तो अभी बोल नहीं सकते, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। लंगर भी हो रहा है, लंगर चल रहा है। और फ्रेंड, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, सुन रहे होंगे पीछे के सामने की मस्जिद से अजान भी चालू हो चुकी है, तो शाम का वक्त है, तो शाम की अजान हो रही है यहाँ पे। नियाज अभी कर रहे हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मज़ार के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सी कागज लगे, तो क्या ये इसमें ना बहुत से लोगों की मन्नतें लिखी हुई हैं, और जब ये मन्नतें उनकी पूरी हो जाती है, तो लोग यहाँ पे फिर अपनी हाजिरी लगाने भी आते हैं। सो फ्रेंड्स, मज़ार पे आए हुए एक श्रद्धालु से आपको मिलवाते हैं, तो आपका नाम? मेरा नाम इब्न हसन है जी। आपका? फरकान हसन। आपका? नौशाद। तो आप जो है इस मज़ार के बारे में कुछ बताइए। मैं तो ये बताऊँगा, मेरा तो बचपन यहीं गुजरा है, और बराबर हाज़री देता हूँ, और जितने भी यहाँ पर हाज़रीन आते हैं, 100% उनको यहाँ से फ़ायदा ही होता है। ये हमारे साहबजादे हैं, इन्हें तो हम बरेली से ऐसे ही लाए थे मुर्दा, और रात के 2 बजे मैंने डाल कदमों में डाल दिया था। आप देखिए, आपका आप बताइए, आप यहाँ जो है कब से आ रहे हैं? जी, मैं कम से कम 8-10 साल से आ रहा हूँ। मैंने जो भी अपनी मन्नत मांगी, मुराद मांगी, मेरी इंशाल्लाह यहाँ पर पूरी हुई, जो भी मैंने मन्नत मांगी। और मैं यहाँ पर रोजीना भी आता हूँ, और मेरी मरहमें भी आती हैं, मुझको बहुत यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। जितने भी आते हैं, हमको नहीं, जितने भी मतलब आते हैं, सबको फ़ायदा मिलता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इनका मरतबा ही कुछ अलग ही है। फ्रेंड्स,
जैसे देखिए यहाँ की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी ज़्यादा महिमा है यहाँ की। सामने देख रहे हैं वहाँ पे एक गोलक भी बनी हुई है जहाँ पे लोग जो है चंदा चढ़ाते हैं मज़ार के लिए। सो फ्रेंड, जैसे कि बताया जाता है और इतिहास में दर्ज है, शाहजहाँपुर के इतिहास तारीख मोती के अनुसार आप जो हैं शहर शाहजहाँपुर बसने से पहले आप यहाँ आ गए थे। आपका एक नाम गबरू भी था, जैसे कि गबरू शब्द जो है किसी पहलवान के नौजवान के लिए भी कहा जाता है। और आप सैयद सलार मसूद गाजी के फौज में किसी सैनिक के पद पर थे। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह जो है वो बहराइच शहर के बीच में है और यह दरगाह बहुत ही मशहूर भी है। और आपके बारे में एक किस्सा बहुत ही मशहूर है, जैसे कि बताया जाता है किसी लड़ाई में आपका सिर जो है वो कलम कर दिया गया था और आप बगैर सिर के घोड़े पर सवार होकर आप यहाँ से गुजर रहे थे। आपको यह जगह बहुत ही पसंद आई थी, आप पान खाने की बहुत शौकीन थे। इसी जगह पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, आपने उन बूढ़ी अम्मा से पान खाने की ख्वाहिश की। बूढ़ी अम्मा पान लेकर जैसे ही बाहर आईं और आपका बगैर सिर का शरीर घोड़े पर सवार देखा तो अम्मा बहुत घबरा गई थी। आपको यह जगह बहुत ही पसंद आ गई थी, आप यहीं पर आराम फरमाने के लिए लेट गए थे। और जैसे कि आप इनको अब मजार के रूप में भी देख रहे हैं। और आपका सालाना उर्स ख्वाजे के महीने की चांद की 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें शहर व बहुत दूर दूर से आपके मानने वाले शिरकत फरमाते हैं और यहाँ पे आपका जो उर्स जो है वो काफ़ी धूमधाम से भी मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे हैं हम लोग जो है दरगाह के अंदर मौजूद हैं और आपको बताते हैं सामने जो आप देख रहे हो ये जो मज़ार है ये है हज़रत मेहमान शाह जी की मज़ार है। और इधर साइड को सामने जो देख रहे हो ये जो है ये उनके भांजे की मज़ार है। और इधर जो ये सामने जो है ये उनके अजीज़ कोई रिश्तेदार है उनकी मज़ार है ये। तो यहाँ पर लोग देखिए अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे लोग जो है अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो आपने पूरा व्लॉग देखा ये जो था बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा है। और फ्रेंड्स, अभी जो आपने पहला पार्ट देखा ये था, ये हज़रत मेहमान शाह का पूरा दरगाह का मैंने पूरा व्लॉग दिखाया आपको। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो होगा हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाह का ब्लॉग होगा। और अभी इस ब्लॉग का जो मैंने एंड नहीं किया है, बस इसका ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। और फ्रेंड्स, आपको बता दें अब तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड की हैं सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इन्हीं दो ब्लॉग पे की है, सबसे ज़्यादा मेहनत की है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस मेहनत को ज़ाया मत जाने दीजिएगा और प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग मुझे पहली बार YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको पूरा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मुझे आप लोग कमेंट पढ़ने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। सो फ्रेंड्स, अभी इस पार्ट का तो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी सेकेंड पार्ट भी देखना है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम लाइव बोलते हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चलिए फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।